कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जन अभाव अभियोग सुनवाई कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अग्रवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों को एवं विभागों को परिवादों को समय पर निस्तारण करने को निर्देशित किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में पंजीकृत 40 प्रकरणों में से 5 जनसुनवाई में तथा शेष प्रकरणों को सभी विभागों को शीघ्र निस्तारण हेतु कहा गया। इसके उपरांत संभागीय आयुक्त ने जिले की मुख्यमंत्री बजट घोषणा एवं फ्लैगशिप योजना की विभागवार समीक्षा की कार्य को समय पर पूरा करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। और वो सैंपल जो है सफिशिएंट नहीं है या जो है मिनिस्टर नहीं है वो जरूर बात है कि फेल हो गए, इसका मतलब पूरे सही सैंपल नहीं है, इसलिए फेल हो गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गोली चलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण जिले में फरार अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों सचिन, प्रशांत एवं धनंजय को भैंसेना रोड जेल के पास से गिरफ्तार किया। घटना का मुख्य साजिशकर्ता उदयवीर की तलाश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने में मुश्ताक कुरैशी ने खुद पर हुए हमले के बाद चीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नामजद रिपोर्ट के आरोपी घटना में साजिश नहीं थे, जबकि उदयवीर जो कि चीता से रंजिश रखता है ने वारदात को अंजाम करवाया, जिससे घटना में चीता को फंसा दिया जाए। लेकिन पुलिस ने गहन अनुसंधान एवं सीसीटीवी वगैरह साक्ष्यों को देखकर वास्तविक अपराधियों तक पहुंचे, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया। गहन अनुसंधान के बाद वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया के साथ वीरेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई मुकेश कुमार, नीरज भरत राम एवं हंस राम कांस्टेबल शामिल रहे। नाबालिग से बलात्कार का आरोपी बालक किया निरुद्ध। धौलपुर की प्रमुख खबर। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में संपूर्ण जिले में फरार अपराधियों का धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि विगत 18 सितंबर 2022 को एक नाबालिग बालिका ने कोतवाली थाने में पहुंचकर तहरीर दी कि उसे बालक द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा रूमाल सुंघाकर कमरे में बंद कर गलत काम किया गया। आरोपी बालक उसी समय से फरार चल रहा था, जिसे आज 20 अक्टूबर को दस्तयाब करने में सफलता अर्जित की। बालक को निरुद्ध करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया के साथ मुकेश कुमार, भरत राम, हंस राम कांस्टेबल शामिल रहे। जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में आराम फरमाते हैं पशु। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला मुख्यालय स्थित जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डाकू मंगल सिंह जिला चिकित्सालय के आईसीयू प्रांगण में आवारा पशु विचरण करते हुए एवं बैठे हुए देखे गए हैं। चिकित्सा कर्मी स्टाफ की लापरवाही के चलते हैं वार्ड में घंटों तक पशु आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें तथा आईसीयू वार्ड की व्यवस्था को सुचारू बनावें। यह आवारा पशु परिवार एवं उनके परिजनों पर हमला भी कर देते हैं। कई बार वार्ड के बेड पर कुत्तों को आराम फरमाते हुए देखा गया है। पार्वती नदी में डूबने से अधेड़ की मौत, बाड़ी रोड पुल के पास की घटना। बसेड़ी से दुखद खबर। भीमसेन पुत्र शुगर सिंह कोली उम्र लगभग 51 वर्ष निवासी किलेधार का पुरा गांव से भूतेश्वर महादेव मंदिर पार्वती नदी में नहाने गया पहुंचा था। नहाते समय पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर थाना बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को सीएचसी बसेड़ी लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बसेड़ी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। भारत तिब्बत संघ ने चीन का पुतला फूंक, तिब्बत पर कब्जे का जताया विरोध। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भारत तिब्बत संघ जयपुर प्रांत द्वारा प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय तिब्बती मार्केट परिसर में मार्केट प्रधान
तशी वांगुडू और अन्य व्यापारियों के साथ चीन का पुतला दहन किया गया। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण करके तिब्बत से लगा हुआ भारत के बड़े भूभाग सहित लद्दाख की अक्साई जमीन पर कब्जा कर लिया था। तभी से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत तिब्बत संघ आज पूरे देश में पुतला दहन और चीन के सामान का बहिष्कार करने की पुरजोर अपील के साथ सभी देशवासियों को जागृत करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर अमित मुद्गल, आशीष परिहार, अंकुर लामो, पेमा डोलमा, गेलसन सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। आज 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण करके कुछ तिब्बत का हिस्सा, लद्दाख वाला हिस्सा जो आज अधिग्रहण किया था, उसके रूप में हम भारत तिब्बत संघ द्वारा पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। इसके लिए जगह जगह पर पुतला दहन किया जा रहा है, चीनी सामान का बहिष्कार करने को लेकर अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज राजस्थान जयपुर प्रांत के धौलपुर जिला के तिब्बती मार्केट में आज यहाँ तिब्बती मार्केट के प्रधान द्वारा चीन के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी व्यापारीगणों ने भाग लिया, साथ ही सभी जन सामान्य लोग उपस्थित रहे। हम भारत तिब्बत संघ द्वारा सामान्य जन से अपील करते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार कर अपने देश की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। दीपावली पर्व को लेकर उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों एवं अधिकारियों के साथ की बैठक। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दीपावली पर्व को लेकर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं व्यापार मंडल के साथ बैठक का आयोजन उपखंड कार्यालय बसेड़ी पर किया गया। बैठक के दौरान आने वाले दीपावली पर्व पर सरकारी इमारतों की विशेष रूप से सजावट करने, बाजार में साफ सफाई, रोशनी एवं गड्ढों को भरने के लेकर नगरपालिका बसेड़ी को निर्देशित किया गया। साथ ही व्यापारियों से कहा है कि कोरोना काल के बाद दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार इस बार सभी इमारतों को एवं बाजारों को झालर एवं रोशनी से सजाकर गुलजार करना है, जिससे आमजन में हर्षोल्लास का माहौल पैदा हो। साथ ही पुलिस प्रशासन को त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में विशेष रूप से गश्त व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे बाजार के अंदर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो। बाजार में घूम रहे आवारा गायों को नंदीशाला में भिजवाया जाए। बैठक के दौरान मनोज भारद्वाज, विकास अधिकारी सतीश बैरवा, पुलिस थाना बसेड़ी से शिव कुमार, नगरपालिका कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार, व्यापार मंडल महामंत्री रवि गोयल दोपरा वाले, दर्शन लाल गोयल, जयप्रकाश यदुवंशी, अर्पित गर्ग मौजूद रहे। गडरिया समाज की जन चेतना यात्रा की तैयारी, बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। धनगर गडरिया समाज की बैठक गडरपुरा में बूढ़ी माता मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें जन चेतना यात्रा की तैयारी हेतु विचार विमर्श किए गए। गडरिया समाज की जन चेतना यात्रा 1 नवंबर से धौलपुर से शुरू होगी, जो 18 जिलों कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर आदि जगहों से होकर गुजरेगी। विदित हो के गडरिया MBC वर्ग में आते हैं। MBC आरक्षण से प्रदेश में पहले से ही राजनीति गरमाई हुई है। अब एक और यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। बैठक में निर्णय लिया कि जन चेतना यात्रा गडरपुरा मंदिर से कलश के साथ प्रस्थान होगा, जहां पूरे जिले से समाज जन उपस्थित रहेंगे। यात्रा संयोजक दुष्यंत बघेल ने कहा कि सभी यात्रा को सफल बनाने के लिए इसमें भागीदारी निभाएं, एक साथ एक मंच पर बैठकर सभी समाज बंधु एकत्रित होकर एकता का परिचय है। धर्मेंद्र भुप्पी बघेल एवं आकाश ने कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन 12 नवंबर को कुम्हेर भरतपुर में किया जाएगा, जहां राजस्थान में गडरिया समाज का अब तक का सबसे बड़ा गडरिया महासम्मेलन होगा। महेश बघेल, संजय बघेल ने कहा कि गडरिया समाज में एकजुटता लाने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान संपूर्ण जिले से बघेल समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट। तो
दिव्या सिंह बघेल लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के जिला महासचिव मनोनीत। धौलपुर की प्रमुख खबर, लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश व्यास ने धौलपुर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह जाट की अनुशंसा पर दिव्या सिंह बघेल को जिला महासचिव पद पर नियुक्त किया। नवनियुक्त जिला महासचिव का लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की टीम ने माला पहनाकर स्वागत किया और जिला अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी लॉ के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई संस्था है। लॉ विद्यार्थियों द्वारा ही यह संचालित की जा रही है। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है और साथ ही कुछ समय पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर वह लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम जैसे मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, सेमिनार आदि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इस मौके पर विक्रम सिंह बघेल, आकांक्षा चौधरी, मेघा विधूड़ी, रोशनी रावत, अशोक गुर्जर, मयंक चौधरी, राहुल त्यागी आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी की प्रमुख खबर, भारतीय किसान संघ बसेड़ी द्वारा प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार के नेतृत्व में तहसील अध्यक्ष महेश सिंह परमार द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अक्टूबर माह में होने वाली अतिवृष्टि के कारण ग्वार, ज्वार, बाजरा की फसलें लगभग 80-90% समाप्त हो चुकी हैं, जिससे किसान के सामने अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का भी संकट आ गया है। फिर भी सरकार फसल खराबी की गिरदावरी करने के लिए गंभीर नहीं है। सरकार के ढुलमुल रवैया के चलते ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी द्वारा महज खानापूर्ति की जा रही है। अतः पटवारी एवं गिरदावर द्वारा गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दिलाने हेतु राज्य सरकार को सही रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इसके साथ साथ किसानों को जरूरत के समय डीएपी एवं यूरिया की आपूर्ति की समस्या गंभीर बनी हुई है। दुकानदारों द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाकर उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी, यूरिया और बीज उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर भीम सिंह परमार, अमर सिंह परमार, सत्यपाल सिंह खिडौरा, श्याम सिंह परमार, फूल सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह, अतर सुमा, बत्तीलाल, सत्यवीर सिंह, राम खिलाड़ी, राजा राम सहित अन्य कई पीड़ित किसान मौजूद रहे। अक्टूबर में जो अतिवृष्टि हुई है उससे हमारे इस बसेड़ी उपखंड के इलाके में सारी फसल जो खरीफ की है वो बर्बाद हो गई है। 90% तक फसल बर्बाद हो गई है और वो पानी में इतना पानी की वजह से क्या हुआ कि बालों में खड़े खड़े ही उग आई थी वो, और उनमें बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद में जो तिली है, उड़द है, मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, सारे कुछ नष्ट हो गया है। आगे के लिए किसानों के पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा है। इस सब को देखते हुए हमारा सरकार से भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, भारतीय किसान।